जादुई लोटा। मिंटू मुंह लटकाए भैंस पर बैठकर चला जा रहा था। उसके समझ में कुछ आ नहीं रहा था। भैंस ने चारा तो बहुत खाया था, लेकिन दूध देने के नाम पर बार बार पैर उठाया था। मिंटू को बहुत गुस्सा आया था। घर में दाना नहीं, खाना क्या खाक बनाता? ये भैंस दुलारी किस काम का नहीं है, जब देखो अपना दूध अंदर खींच लेती है, दूध देने के नाम पर आंख मींच लेती है। इसने मेरा उपवास कराया है, शाम को मैं इसकी खबर ले लूंगा, लेकिन अभी क्या खाऊंगा, पेट को शांत कैसे कराऊं? अरे बाप रे, सर पे क्या गिरा रे, ओह जोर से लगा रे, अरे ये तो आम है, रुक जा दुलारी। मिंटू नीचे उतर गया और लपक कर आम को उठा लिया और सीधे चूसने लगा। वाह भगवान, दूध ना सही, आम से ही काम चला लूंगा, सर पर गिरा तो क्या हुआ, मार खाकर भी इसे खा लूंगा। आह बहुत मीठा है, दुलारी तू क्या देख रही है, पहले से ही ठूस कर बैठी है, अब मुझे तो खाने दे, तू नहीं मानेगी, जाकर घास खा ले, मुझे आम खाने दे। मिंटू ने कुछ आम तोड़े और खाते हुए भैंस पर बैठ गया। घर पहुंचकर बर्तन में कुछ ढूंढने लगा, लेकिन सबके सब खाली थे। हे भगवान, तूने मुझे बनाया, ये तो अच्छा किया, लेकिन पेट क्यों बना दिया? पेट बनाया तो बनाया, फिर भूख क्यों दे दिया? भूख दे दी ठीक है, पर खाना क्यों नहीं दिया? ऊपर से अकेला तनहा कर दिया, ये अच्छा नहीं किया, दो दिन से कोई काम भी नहीं मिला, चलता हूँ, आज किसी बर्तन को बेच कर ही खाने की चीजें लेकर आऊंगा, पेट भर खाऊंगा और सो जाऊंगा, क्या बेचूं? अरे हाँ, ये पुराना लोटा ही बेच देता हूँ, गिलास में पानी पी लूंगा, लोटे का क्या काम है। वह लोटा लेकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसने एक कुत्ते को दूध पीते और मिठाई खाते देखा तो सोचने पर मजबूर हो गया। किस्मत का सब खेल है भाई, कुत्ता खाए दूध मिठाई। इतना कहकर जैसे ही वह आगे चला, उसके नाक में मिठाई की खुशबू समा गई। उसका लोटा भारी हो गया। अरे ये क्या हो गया, अभी अभी तो बड़ा हल्का था, लोटा अचानक कैसे भारी हो गया? अरे रे 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 रे, ये मिठाई लोटे में कैसे आई, ये सब क्या हो रहा है भाई? अच्छा तो इसकी ही खुशबू मेरी नाक में आ रही थी, इतनी देर से मुझे भरमा रही थी। मिंटू एक पेड़ के नीचे आराम से बैठ गया। उसने फिर से लोटे में नजर डाली तो लड्डू पेड़ा झांकने लगे। पूरा लोटा लबालब भर गया, एक रसगुल्ला ऊपर आ गया, एक एक आइटम मिंटू के मुंह में जाने लगे और मिंटू को स्वादिष्ट मिठाई का मजा आने लगा। मैं समझता था कि दुनिया में अकेला रह गया हूँ, लेकिन ये बात सही नहीं है, मेरे साथ मेरा भगवान है जो बड़ा कृपा निधान है। अरे वाह, मिठाई के साथ साथ मलाईदार दूध भी आ गया, अरे वाह, मेरा तो पेट भी भर गया, मेरी भी किस्मत जोरदार है। वाह भगवान, ये कैसा चमत्कार है, लोटे का जादू बड़ा जोरदार है, ये तो मुंह मांगी मुराद पूरी कर रहा है, इस गरीब की झोली भर रहा है। मिंटू ने अपना रुमाल आगे किया और वह रुपयों से भर गया। ये तो बड़ा अच्छा हुआ कि मैंने इस लोटे को बेचा नहीं, वरना पूरी जिंदगी मिंटू चिंटू बनकर ही रह जाता, मेरे हाथ कुछ भी नहीं आता, अब इसकी कृपा से जो धन मिला है उससे मैं मेहनत करके सब्जी और फलों के बाग लगाऊंगा, अच्छी नीयत रखकर रुपए कमाऊंगा, मैं सदैव अच्छा कर्म करूंगा और अपना धर्म निभाऊंगा, क्यों लोटे जी मेरा साथ दोगे ना? लोटा गोल गोल घूमकर मानो हामी में सर हिला रहा हो, मिंटू का हौसला बढ़ जाता है। मिंटू ने सब्जी की खेती शुरू कर दी, फलों के पौधे भी लगा लिए। कड़ी मेहनत और अच्छी लगन के साथ उसने अपना काम शुरू किया। उसकी मेहनत रंग लाई और सब्जी और फलों की बहार आई। देखने वाले दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। अचानक एक दिन बहुत बड़ा तूफान आया, आसपास के पेड़ उखड़ने लगे, फसलें चौपट होने लगी। मिंटू ने तूफान की गंभीरता को जब देखा तो उसका कलेजा कांप गया। वह भगवान से हाथ जोड़कर विनती करने लगा और अपने जादुई लोटे को सामने रखकर निवेदन करने लगा। हे प्यारे लोटे, यहाँ हम सभी ने ईमानदारी से कड़ी मेहनत की है, फिर ये कैसी आफत सामने खड़ी है,
अगर हमारी फसल और फलों की खेती चौपट हो गई तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे, रास्ते पर आ जाएंगे। यहाँ सबके ऊपर तबाही के बादल मंडरा रहे हैं, सबकी रक्षा करो, बर्बादी से बचा लो। लोटे से आवाज आई, प्यारे मिंटू, तुम अपने साथ साथ सबका भला चाहते हो, तुम्हें सबकी चिंता सताती रहती है। ऐसे परम हितकारी व्यक्ति की बात भला मैं कैसे टाल सकता हूँ। चिंता मत करो, यह तूफान रुक जाएगा, किसी का कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। इतने में चमत्कार हो गया, भयानक तूफान देखते ही देखते शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तूफान ने जैसे किसी भी फसल, पौधे और पेड़ को छुआ ही नहीं। सब लोगों की खेती संभल गई, मिंटू के खेत सोना उगलने लगे, सब्जियों और फलों का व्यापार बढ़ने लगा और दिन दूना रात चौगनी तरक्की होने लगी। मिंटू गांव वासियों और गरीबों की मदद करने लगा। कहते हैं परोपकारी सदा सुखी रहता है, वही बात मिंटू के साथ भी हुई। उसने जादुई लोटे का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाया, अपनी लगन और मेहनत के दम पर उसने कर्म किया और नाम कमाया। पहाड़ों की तलहटी में एक छोटा सा गाँव था, उसमें भीखू नाम का एक गरीब बूढ़ा अपनी पत्नी गंगा और बिटिया सिया के साथ रहता था। उनकी अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान थी। भीखू की दुकान सुबह खुल जाती थी और रात के 8 बजे तक खुली रहती थी। दुकान से इतनी आमदनी हो जाती थी कि उनके खाने पीने का खर्च निकल जाता था। उनके पड़ोस में ही बनवारी की पान की दुकान भी थी, दोनों में खूब पड़ती थी। जो चाय पीने आता वो पान भी जरूर खा कर जाता था। एक बार लगातार कई दिनों तक बारिश होने की वजह से लोगों का घर से निकलना बंद हो गया और पर्यटकों के आने का तो सवाल ही नहीं था। कई दिनों से एक कप चाय भी नहीं बिकी थी, ना ही बनवारी की दुकान से पान बिका था। अब खर्च कैसे चलेगा, मुश्किल से हमारे पास 2 दिनों का राशन बचा है। तू चिंता मत कर, ऊपर वाले की मेहरबानी से बारिश बंद होते ही हमारी दुकान चल निकलेगी। लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही थी, गंगा ने आखिरी राशन झाड़ पोंछ कर बना दिया। वो इसी चिंता में बैठी थी कि कल क्या होगा। तभी अचानक बहुत जोर से बारिश हुई और इतनी जोर से बिजली कड़की कि उनके घर की दीवारें हिल गईं। थोड़ी देर के बाद जब गंगा आंगन में गई तो देखा मिट्टी का चूल्हा भी टूट गया। रही सही उम्मीद भी जाती रही, चल के चूल्हे की ही मरम्मत कर दूं। सिया, जरा छाता लेकर आ जा और थोड़ी मिट्टी लेकर आ जा बेटा। अभी लाई माँ। गंगा ने चूल्हा बना दिया, उस पर छाता रखकर सूखने के लिए छोड़ दिया। तभी सिया भागती हुई आई, माँ तूने ये पेंट क्यों लगा दिया चूल्हे पर? क्या बकवास कर रही है, खाने के पैसे नहीं है और मैं चूल्हे के लिए पेंट खरीद कर कहाँ से लाऊंगी। माँ जल्दी आंगन में आ जा, अब तो देख बारिश भी बंद हो गई है। गंगा ने आंगन में आकर देखा तो चूल्हा चांदी की तरह चमक रहा था। जब वो नजदीक गई तो देखा चूल्हा तो सचमुच चांदी का था और उस पर कहाड़ी में हलवा पक रहा था। अरे सिया, ये तो चमत्कार हो गया, मैं तो इसी चिंता में थी कि कल से क्या खाना बनेगा और कैसे बनाऊंगी। हाँ माँ, चल हलवा खाते हैं, फिर देखी जाएगी। गंगा ने कहाड़ी उतार कर हलवा निकाल लिया और कमरे में लाकर सबने खाया। माँ ये तो बहुत स्वादिष्ट है, और बचा है क्या? देख शायद थोड़ा सा होगा कहाड़ी में। माँ यहाँ तो पूरी की पूरी कहाड़ी भरी हुई है, इतना हलवा कहाँ से आया, क्या करेंगे इतने हलवे का? क्यों इतना शोर मचा रही है, अरे कहाड़ी उतार कर हलवा निकाल दे और कहाड़ी धोकर रख दे। तीनों खा पी कर सो गए। सुबह गंगा जब आंगन में झाड़ू लगाने गई तो देखा सारा खाना तैयार था और चांदी के चूल्हे पर एक तरफ चाय चढ़ी हुई है। उसने झाड़ू फेंक दी और सारे ढक्कन खोल खोल कर देखने लगी। आलू के पराठे, अचार, दाल, चावल, रोटी, सब्जी सब तैयार था। सिया, सिया जल्दी आ बेटा। क्या हुआ माँ? ये देख, तुझे आलू के पराठे खाने थे ना, इस चांदी के चूल्हे के पास सब कुछ रखा हुआ है। माँ ये क्या हो रहा है, कहीं हमारे घर में कोई जादू का चूल्हा तो नहीं? जिस जादू से हमारा भला हो रहा हो वो जादू होता रहे तो ही अच्छा है। माँ आज तो बारिश भी बंद हो गई, आज बाबू चाय के साथ पकौड़े और चटनी भी बेचते तो शायद खूब बिकता। अरे ये देख, चाय तो तेरे बाबू बाहर ही बना रहे हैं और यहाँ चटनी और परात भर के गर्मा गर्म पकौड़े भी आ गई, ले जा दुकान पर रख दे। शाम होते होते सब कुछ बिक गया, अभी तो 5 ही बजे थे।
अगर कोई पकोड़े मांगने आ गया तो क्या दूंगा? बापू जाकर देखती हूँ, शायद चांदी के चूल्हे ने आपकी परेशानी सुन ली हो और पकौड़े तैयार हो गए हो। जल्दी जा बेटी। सिया आंगन में गई तो गर्मा गर्म पकौड़े एक थाली में तैयार रखे थे। वो लेकर आई तभी उसने देखा कि दुकान पर भीड़ लगी हुई है। ला बेटी, मैं चाय छानता हूँ, तू फटाफट पकौड़े पेपर पे रख कर दे दे और सबसे पैसे ले ले। रात तक उसके पास काफी पैसे हो गए। एक हफ्ते में भीखू की दुकान खूब चल निकली। गंगा रोज नहा धोकर चांदी के चूल्हे की पूजा करने लगी। जो भी खाने की जरूरत होती चांदी का चूल्हा पूरी कर देता। गंगा, अगर ऐसा ही रहा तो हम बहुत जल्दी अमीर बन जाएंगे। हाँ, अब से एक काम और करना होगा। जितनी भी आमदनी हो रही है उसका कुछ अंश हमें अपनी जैसी गरीब भाइयों को बांट देना है। ये बात तो मैं पहले दिन ही सोच रही थी। चांदी के चूल्हे ने हम पर कितनी मेहरबानी की है, हमें भी तो कुछ करना चाहिए। दूसरे दिन से उनकी जितनी आमदनी होती उसका दसवां हिस्सा निकाल कर उससे कुछ कपड़े फल मिठाइयाँ खरीद कर पड़ोसियों के घर बंटवा देते। कुछ महीनों में उनका घर और दुकान पक्की बन गई। पड़ोसियों में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे भीखू, इस चाय की दुकान से पहले तो इतनी आमदनी कभी नहीं हुई, अब क्या नया बन गया है? भीखू ने सारी सच्चाई बनवारी को बता दी। ओह, तो यह बात है। इनके घर में कोई जादुई चांदी का चूल्हा है जो इनकी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। मुझे भी वो चांदी का जादुई चूल्हा चाहिए। एक दिन बनवारी आधी रात को उनके आंगन में मुंह पर गमछा लपेट कर कूद पड़ा। उसके हाथ में चाकू और धारदार हथियार भी था। ईर्ष्या और लालच ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी और भीखू के साथ सारी दोस्ती खत्म कर दी। उसने आंगन में कूद कर चूल्हा उठा लिया और लेकर अपने घर की तरफ भागा। लेकिन चूल्हा इतना भारी था कि उससे एक कदम भी नहीं चला गया। उसने सोचा, इतने भारी चांदी के चूल्हे का तो दाम भी बहुत ज्यादा होगा, इसको तोड़ कर इसके टुकड़े ही कर लेता हूँ। उसने जैसे ही उस चूल्हे को तोड़ने के लिए कुल्हाड़ी का पहला वार किया, कुल्हाड़ी उसके हाथ पर ही लग गई और उसके बाएं हाथ की उंगलियां कुचल गई और खून बहने लगा। अरे, बहुत खून निकल रहा है, कोई बात नहीं, दूसरी बार फिर कोशिश करता हूँ। दूसरा वार करते ही कुल्हाड़ी छिटक कर सीधा उसकी नाक पर लगी। अरे बाप रे, मेरी नाक गई। तीसरा वार करते ही कुल्हाड़ी छिटक कर उसके सर पे लगी और सिर से खून का फव्वारा निकलने लगा। वो घर की तरफ भागा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सुबह सुबह जब गंगा आंगन में आई तो देखा चांदी का चूल्हा वहाँ से गायब था। अरे सिया के बापू, जल्दी आओ, यहाँ से चूल्हा कहाँ गया? अरे मुझे क्या पता। तुमने किसी को कुछ बताया तो नहीं था? मैंने सिर्फ बनवारी को ही बताया था। जरूर वही उठा कर ले गया होगा, जल्दी जाकर देखो। भीखू उसके घर गया तो उसकी पत्नी रो रही थी। क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? वो रात को ही कहीं गए थे, वहाँ से आए तो पूरे सिर नाक और उंगलियों पर गहरी चोट लगी थी और खून बह रहा था। आते ही बेहोश हो गए, अब जाकर होश आया है। कहाँ है वो? आइए देखिए क्या हाल है उनका। बनवारी, पहले तो ये बताओ कि मेरे घर से चूल्हा क्यों उठाया और कहाँ रखा? भिक्खू भैया, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं लालच में आ गया था। वो चूल्हा तुम्हारे घर के पीछे ही रखा था, मैं जब उसे लेकर आ रहा था तो अचानक ही वो इतनी भारी हो गया कि मैं उठा ही नहीं पाया, उसी ने मेरी ये दुर्गति की है। मतलब? बनवारी ने उसे पूरी बात बताई कि कैसे चोट लगी। अरे ये तुमने क्या किया? भैया मुझे माफ कर दो, अब मैं समझ गया हूँ कि कुछ चीजें सिर्फ जिम्मेदार और सरल लोगों को ही मिलती है। भीखू जब घर के पीछे गया तो वहाँ चांदी का चूल्हा पड़ा हुआ था। उसने जैसे ही हाथ लगाया वो फूल की तरह हल्का हो गया और भीखू उसे उठाकर घर ले आया। कहाँ मिला? लगता है कि किसी ने चुरा कर भागने की कोशिश की थी, पर ये जादुई चूल्हा हमें छोड़कर गया ही नहीं। सीधे सीधे क्यों नहीं कहते, बनवारी ले गया था। अरे
जब समझ गई हो तो पूछ क्यों रही हो? चलो चलकर दुकान खोलूं। बाहर चाय पीने वालों की भीड़ लगी है। अब इसे आंगन में मत रखना, रसोई में ही रख देना। लोगों की नियत बदलते देर नहीं लगती। चांदी के जादुई चूल्हे ने उनका जीवन खुशियों से भर दिया।